ये कहानी है सैमी की। सैमी अमेरिका की लड़की थी जो भारत घूमने आती है। उसे यहाँ के राधे से प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। माँ, ये सैमी है, हम दोनों ने शादी कर ली है, आज से ये तेरी बहू। अच्छा, तूने बोल दिया और मैंने मान लिया, ये गोरी चमड़ी नहीं चलेगी, बेटा इसे वापस भेजो। सैमी को हिंदी आती थी। वो सास के पैर पकड़ लेती है। प्लीज डोंट से लाइक दिस, मैंने शादी की है, उसका क्या? अरे वाह वाह, बड़ी आई शादी वाली, बहुत पता है मुझे तुम लोगों के देश में कैसे होती है शादी और कैसे होता है तलाक। मैं तलाक नहीं दे सकती, मैं राधे से प्यार करती हूँ, प्लीज उसके साथ रहने दीजिए। सास नहीं मानती, पर राधे भी अड़ जाता है। देख माँ, सैमी मेरे साथ ही रहेगी, नहीं तो मैं भी घर छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरे घर में तुम घर मत छोड़ो, मैं चल रही हूँ, लेकिन मैं तलाक नहीं दूंगी, मैं प्यार तुम सही करती हूँ। ये बोलकर सैमी वहाँ से चली जाती है। अब ठीक है, बड़ी आई थी घर की बहू बनने वाली, अरे इन फिरंगियों को तो हम मुंह ना लगाए। राधे सैमी के पीछे जाता है और उस मोहल्ले के एक घर में ही रहने की जगह दिला देता है। ये घर मेरे घर से दिखता है, तुम यही रहना, थोड़े ही दिन में माँ को मना लूंगा। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी माँ मान जाए। सास देखती है कि सैमी ने कहीं और नहीं बल्कि उसी के घर के सामने का मकान ले लिया है। इस गोरी को यहाँ घर दिलाया है ना तूने, अब देख कैसे मैं इसे यहाँ से भगाती हूँ। सास एक दिन सुबह उठकर घर के सामने झाड़ू लगा रही होती है कि उसकी नजर बहू के घर पर पड़ती है। अरे ये तो नहा धोकर घर को साफ सुथरा कर तुलसी में जल चढ़ा रही है और मेरी तो अभी झाड़ू भी नहीं लगी। सास फटाफट काम खत्म करती है कि सैमी वहाँ आ जाती है। ये लीजिए सासु माँ, मैंने लाखी का खाफ्टा बनाया है, सोचा आपको भी खिलाऊं। बस आपने क्या बनाया? सास जो अभी किचन का गेट भी नहीं खोल पाई थी। अरे हाँ, वो क्या है ना, आज मैं जरा देर से सोकर उठी, लेकिन ये मत समझ के तू ज्यादा होशियार है और मैं नहीं। देख मैं अभी कितनी जल्दी खाना बना लेती हूँ। तभी वहाँ राधे आ जाता है। वो सैमी को देखकर खुश हो जाता है। माँ फिलहाल तो तू रोटी ही बना दे, मैं कोफ्ते से खाकर ऑफिस जाऊँ। सास फटाफट के चक्कर में रोटी बना ही रही होती है कि उसका हाथ जल जाता है। सैमी जल्दी से उस पर दवाई लगा देती है और रोटी बनाकर राधे को खिलाती है। आप भी खा लीजिए, बहुत देर हो गई, आपने भी तो कुछ नहीं खाया। सास मुंह बना लेती है और कहती है, अरे जा तू अपने घर कहीं, यहाँ आकर हम लोगों की बनने की कोशिश मत किया कर। फिरंगी बहू वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते वो सास के लिए भी रोटी बना कर जाती है। बहू के जाने के बाद पड़ोसन आती है। अरे राधे की माँ, क्या बनाया है, भूख लग रही है। अरे मैंने क्या बनाना था, वो फिरंगन ही दे गई है कोफ्ता, वही है, बोल तो रोटी बना दूं। वैसे क्या हुआ, खाना नहीं बना घर पर? काहे नहीं बना, सब बना है, लेकिन बहू रानी हमारी जो है ना, एक नंबर की चिकट चोर है। पहले पति का टिफिन भरा, फिर बच्चों का, फिर खुद खाया, और फिर जो बचता है वो देती है। अब आज कुछ बचा ही नहीं तो बोली, माँ जी कुछ है नहीं, बना लीजिए, और जो बनाए ज्यादा बनाना। वो क्या है ना कि दिन में तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, हम भी सोच लिए कि आज तो हम भी ना बनाएंगे कुछ। हाँ अच्छा अच्छा, रुको मैं रोटी बनाती हूँ, मुझे भी बनानी है खुद के लिए। लेकिन सास जब किचन में जाती है तो वहाँ गर्मा गर्म ढेर सारी रोटी बनी रहती है। सास खाना लेकर आ जाती है। क्या बात है, बड़ी ही जल्दी रोटी बन गई। अरे नहीं नहीं, वो फिरंगन ही बना गई है, सोचती है कि ये सब करके मैं उसे घर में रख लूंगी। अरे रहने देना, फिरंगी होकर भी देख कितनी तेरी सेवा कर रही है। तभी सास दूर से देखती है कि बहू बाहर खड़ी होकर
पापड़ सूखने डाल रही है। वो मन में सोचती है कि बेचारी कितना प्यार करती है मेरे बेटे से, पर फिरंगी तो फिरंगी ही होते हैं। देख देख कर क्या सोच रही है, जरा देख कैसे सूट पहनी है, वरना यहाँ तो वन पीस में घूमना शुरू कर चुकी हैं हमारी बहुएं। सास समझती तो है लेकिन करे क्या, अक्कड़ जो है। एक बार घर में पानी नहीं आ रहा होता है तो सारे मोहल्ले की औरतें मोहल्ले के नल से पानी भर रही होती है। अरे पानी भरने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं है, राधे भी नहीं है, किसे बोलूं बाल्टी भरने के लिए, पीने को एक बूंद पानी नहीं। सास पड़ोसन को फोन करती है। अरे विमला बेटे से बोलकर एक बाल्टी पानी मेरे घर भी भेज दो ना, प्यास से गला सुखा जा रहा है। अरे कहां, यहां तो हम लोगों का ही पूरा नहीं हो रहा है, तुम्हें कहां से पानी भेज दे। सास क्या करती, उसे कहीं से भी पीने के लिए एक बाल्टी पानी नहीं मिलता। तभी दरवाजे में फिरंगन बहू आकर खड़ी हो जाती है। माझी ये पानी लीजिए, मैंने आपके लिए भी भर लिया है, राधे तो घर में नहीं है तो आप कैसे बाल्टी भर दी। सास जल्दी से पानी पीती है और बहू को दुआ देती है। सैमी वहां से चली जाती है। फिर क्या, एक दिन माँ मुझे ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना है, मैं जानता हूँ तुम सैमी को पसंद नहीं करती लेकिन प्लीज उसका ख्याल रखना, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। राधे चला जाता है लेकिन सास अपनी ही दुनिया में मस्त हो जाती है। एक शाम वो घर के पास खड़ी होकर बाहर के नजारे देख रही होती है कि उसकी नजर बहू के घर के बाहर पड़ती है जहाँ काफी भीड़ लगी होती है। हे भगवान, राधे ने कहा था कि उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। सास भागी भागी जाती है। अरे क्या हो गया, हटो हटो जरा। पता नहीं अंदर से काफी कराहने की आवाज आ रही है, लेकिन अंदर जाए कौन, लगता है किसी की अंतिम सांस चल रही है। अरे नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, वो मेरी बहू है, मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी, जाने दो मुझे अंदर। सास अंदर जाती है तो देखती है कि फिरंग की बहू बिस्तर पर पड़ी है। माझी ये लीजिए मेरा सारा सामान जो राधे ने दिया था, ये मेरा पासपोर्ट, मेरा एड्रेस, मेरे घर वालों को बता देना कि मैं ससुराल में मर गई। अरे नहीं नहीं, तू तो बहुत अच्छी बहू है, अरे मैं नहीं मरने दूंगी तुझे। सास जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है और बहू का सारा इलाज कराती है। चल अब अपने घर चल, मैं रोज रोज तेरी सेवा करने इतनी दूर थोड़ी ना आऊंगी। सास बहू को उसका कमरा दे देती है और जब राधे लौट कर आता है। माँ ये मैं क्या देख रहा हूँ। माँ क्या देख रहा है, सास बहू एक ही घर में तो रहते हैं, क्यों बहू, वैसे भी क्या देशी क्या विदेशी, जो मन को भाए वही इंसान होता है, तूने मेरा दिल जीत लिया, बस हमेशा ऐसी ही रहना बेटा। माधवी अपने पति रमेश और अपने बेटे अजय के साथ रहा करती थी। अजय का बचपन से एक ही सपना था कि वो अपनी आगे की पढ़ाई यूएसए में पूरी करे और इसीलिए वो यूएसए पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। 3 साल बाद जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके आता है तो अपने बेटे के आने की खुशी में माधवी उसकी पसंद के कई तरह के पकवान बनाती है और जब घर की डोरबेल बजती है तो माधवी अपने पति रमेश को कहती है। लगता है मेरा अजय आ गया है, आप यहीं बैठना मैं दरवाजा खोलती हूँ। माधवी जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर अजय के साथ एक लड़की को देखकर वो अजय से पूछती है। ये कौन है बेटा। माँ ये ग्रेटी है, हम दोनों यूएसए में साथ ही पढ़ते थे और अब ग्रेटी इस घर की बहू है। क्या बहू, अरे बेटा तूने शादी कर ली और बताया भी नहीं, कम से कम अपनी माँ को बता तो देता कि तू अपने साथ इस घर की बहू लेकर आ रहा है। मैं बहू के आने की कुछ तैयारी तो कर लेती, कोई बात नहीं बहू यही रुक, मैं अभी तेरे लिए पूजा की थाल लेकर आती हूँ। मॉम आप अपनी ये फॉर्मेलिटीज बाद में पूरी कर लेना, I'm so tired right now. आजे डार्लिंग, अपना रूम कहाँ है। कोई बात नहीं बहू, तुम पहले आराम कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ।
ग्रेटी अपनी सास की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और अपने रूम में जाकर सो जाती है। कुछ देर बाद माधवी अपने बहु बेटे के लिए चाय नाश्ता लेकर उनके कमरे में जाती है, जहां ग्रेटी अपनी सास से कहती है, आ जाए। क्या हुआ ग्रेटी? अपनी मॉम को बोलो कि अब ये जब भी हमारे कमरे में आए तो नॉक करके आए। आपसे मैं ऐसा ही करूंगी बहू। वो तो आज ही तुम दोनों आए हो तो मुझे लगा थक गए होंगे, इसलिए जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही चाय नाश्ता लेकर आ गई। वो क्या है ना, अजय जब भी बाहर से आता है तो आते ही चाय मांगता है, बस इसीलिए मैं ना ये चाय यहाँ रख देती हूँ, पी लेना, अदरक वाली चाय है। ये बोलकर माधवी वहां से जाने लगती है। तभी ग्रेटी अपनी सास से कहती है, जाते हुए अपनी साथ अपनी ये चाय भी ले जाओ, क्योंकि अजय अब चाय नहीं पीता। हाँ माँ, जब से मैं यूएसए गया हूँ तब से मैंने चाय पीनी छोड़ दी है। अब एक काम करो, हम दोनों के लिए कॉफी ले आओ, मैं सच में बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अरे ठीक है, ला देती हूँ। अच्छा बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा इंडियन है या फिर वही अंग्रेजी है? मेरे मम्मी पापा इंडियन हैं, पर मैं शुरू से यूएसए में रही हूँ, इसलिए मैं खुद को अंग्रेजिन मानती हूँ। वैसे जल्दी से जाकर मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, और मेरे बारे में इतना ज्यादा इंक्वायरी करने का जरूरत नहीं है। अरे हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। वैसे बहू, मैं तुम्हें ना इंडिया के सारे तौर तरीके सिखा दूंगी। अरे क्या हुआ, तुम्हारी परवरिश अगर यूएसए में हुई है, हाँ तो इंडियन ही ना। आपसे ज्ञान नहीं मांगा है, अब कुछ देर के लिए हम दोनों को अकेला छोड़ दो प्लीज। हाँ छोड़ता है। अपनी बहू की बात सुनकर माधवी वहां से चली जाती है। माधवी का उतरा हुआ चेहरा देखकर रमेश माधवी से कहता है, हमने इस नालायक को बाहर पढ़ने के लिए भेजा था और इसने क्या किया, बाहर से अंग्रेजन बहू उठाकर ले आया। माधवी तुम बहुत भोली हो, पर मैं नहीं, ये लड़की हमारा घर तोड़ देगी, हमसे हमारे अजय को दूर कर देगी। देखा, आते ही कैसे रोब झाड़ रही है, जैसे तुम इस घर के नौकरानी हो। तुम उसको बोलो कि तुम इस घर की मालकिन हो और उसकी सास हो, वो वही करे जो तुम कहोगी। अरे आप बेकार में ही गुस्सा हो रहे हैं, बहू यूएसए की है, यहाँ नई नई आई है, उसको यहाँ के तौर तरीके नहीं पता, और वो मुझे अपनी माँ मानती है, तभी तो अपने नखरे दिखा रही है। वैसे भी ना बहू बेटी दोनों बराबरी होती हैं। माधवी, कौन सी बेटी अपनी माँ से ऐसे बात करती है जैसे तुम्हारी बहू कर रही है? मैं बस तुम्हारे कहने पर चुप हूँ, वरना मैं अपने बहू बेटों को आज ही घर से निकाल देता। ये कहकर रमेश वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ग्रेटी अपनी बेचारी भोली भाली सास पर अत्याचार करती रहती है। ग्रेटी अपना सारा काम अपनी सास से करवाती और उसी को भला बुरा सुनाती। ऐसे ही एक दिन माधवी कपड़े धो रही होती है और ग्रेटी माधवी को सताने के लिए अपने सारे कपड़े लाकर उसे देती है और कहती है, मॉम्स ये मेरे कुछ कपड़े हैं, जरा इन्हें भी धो दो। इतना बोलकर ग्रेटी तैयार होकर घर से जाने लगती है। तभी माधवी उससे कहती है, बहू आज तुम्हारे ससुर के दोस्त के घर में एक छोटी सी पार्टी है, उन्होंने सह परिवार बुलाया है, मैं चाहती हूँ कि तुम और अजय भी आज हमारे साथ वहाँ चलो, और आज ना साड़ी पहनना। मॉम अभी मैं क्लब जा रही हूँ, रात को मुझे टाइम मिलेगा तो आपके साथ चली जाऊंगी, पर साड़ी बारी नहीं पहनूंगी। ये कहकर ग्रेटी वहां से चली जाती है। शाम हो जाती है, सब ग्रेटी के घर आने का इंतजार करते हैं और इस वजह से कोई भी पार्टी में नहीं जा पाता। इंतजार करते करते रात के 12 बज जाते हैं। 12 बजे रात को ग्रेटी नशे की हालत में जख्मी घर आती है। अपनी बहू के सर और हाथ पर लगी चोट देखकर माधवी परेशान हो जाती है और जल्दी से फर्स्ट एड का बॉक्स लाकर अपने बहू के सर पर पट्टी करती है। एक माँ की तरह प्यार करते हुए वो अपनी बहू से कहती है, बहू तुझे चोट कैसे लग गई बेटा? मैं घर आ रही थी, एक बाइक वाले से मेरी चक्कर हो गई। कोई बात नहीं बेटा, कल सुबह होते ही तुझे अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। अच्छा अब तू ना आराम कर, मैं तेरे लिए अभी हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। माधवी मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, ये अंग्रेजन हमारे घर के लिए ठीक नहीं है, पर तुमने मेरी एक नहीं मानी,
अब देख लो, आज इस अंग्रेजन बहू की वजह से सारे मोहल्ले में हमारी नाक कट गई है। आज सब हम पर हंसते हैं, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी छूट की वजह से हुआ है। ये कहकर रमेश अपने रूम में चला जाता है, पर माधवी अपनी बहू की पट्टी करके उसे उसके कमरे में जाकर सुला देती है। अगले दिन माधवी ग्रेटी को लेकर अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाती है, जहां ग्रेटी देखती है कि उस डॉक्टर की बहू ने साड़ी पहनी है और एक संस्कारी बहू की तरह घर में पूजा पाठ करके अपने सास ससुर के पैर छूकर उनका सुबह सुबह आशीर्वाद लेती है। डॉक्टर की बहू को देखकर ग्रेटी को अपना बर्ताव याद आता है और उसे एहसास होता है कि वो अपनी भोली और मासूम सास के ऊपर कितना अत्याचार करती है, पर फिर भी माधवी सबसे लड़कर हमेशा उसका साथ देती है। ये सब देखकर ग्रेटी को पश्चाताप होता है और कुछ देर बाद वो दोनों दवाई लेकर घर आती है। जब माधवी ग्रेटी को दवाई खिलाने के लिए उसके पास जाती है तो, मॉम मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी भी आपके प्यार को नहीं समझा, आप पर इतना अत्याचार किया, आपकी बेइज्जती की, आपसे घर का सारा काम करवाया, आपने मुझे कितनी छूट दी, पर फिर भी मैं आपके साथ इतना बुरा करती थी, और आज जब मैं नशे की हालत में चट खाकर घर आई तो भी आपने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, उल्टा आपने मेरा साथ दिया, मेरी सेवा की। आज जब मैंने डॉक्टर की बहू को देखा घर का काम करते हुए, अपने सास ससुर की सेवा करते हुए, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी रॉन्ग थी। एक इंडियन होकर भी एक बहू के कर्तव्य से दूर रही और आपके ऊपर अपनी अंग्रेजी का रौब झाड़ती रही, मुझे माफ कर दीजिए सास माँ। बेटा, अक्सर बच्चों से गलतियां हो जाती है, ऐसे भी सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते बहू। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि मेरी अंग्रेजन बहू कितनी समझदार हो गई है। जिसके बाद माधवी और ग्रेटी एक दूसरे को गले लगा लेती है, और उसके बाद से ग्रेटी एक संस्कारी बहू की तरह रहती है और अपनी सास को किसी भी शिकायत का मौका नहीं देती, अपने सास ससुर की बहुत अच्छे से दिल से सेवा करती है।